सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441666 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पर विजिट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश और आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक तरह का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने दिया है जो उसे एक नया सिस्टम असेंबल करने के दौरान आई। उसने क्या किया, एक नया सिस्टम में एक 4 TB का हार्ड डिस्क लगा करके उसे असेंबल किया। उसे प्रॉब्लम तब आई जब इस हार्ड डिस्क में जब उसने विंडोज इंस्टॉल करते समय पार्टीशन क्रिएट किया तो उसका पूरा 4 TB का स्पेस यूज नहीं हो रहा था। तो उसका सोल्यूशन मैंने उसे दिया और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि हमारे जो बिगिनर्स टेक्निकल इस फील्ड के हार्डवेयर फील्ड में जो टेक्निकल बिगिनर्स हैं उनकी कुछ हेल्प हो सकती है इस वीडियो के थ्रू। आप लोगों को भी इस तरह का सिस्टम असेंबल करते समय इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास एक 4 TB का हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क में हम विंडोज इंस्टॉल करने के लिए पार्टीशन क्रिएट करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आती है हम आपको करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस हार्ड डिस्क में हम विंडोज 8 इंस्टॉलेशन करने के लिए सेटअप स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पार्टीशन करते समय क्या प्रॉब्लम आती है। इसे चेक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कस्टम। ये देखिए यहाँ पर 4 TB का स्पेस, ये 3726 GB यहाँ पर आ रहा है। अब इसे नया पार्टीशन क्रिएट करते हैं। सपोज हम एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं 200 GB का सी ड्राइव के लिए। ये देखिए जैसे ही हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं ये 2 TB का नीचे का स्पेस लगभग 2 TB का यहाँ पर आता है और बाकी का स्पेस अनलोकेटेड हो जाता है। और बाकी दूसरा हमें पार्टीशन क्रिएट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इसे भी हम 200 GB का बना लेते हैं। आप अपने अनुसार बना सकते हैं इसे, ये देखिए इसे भी 200 GB। ये देखिए इसके बाद ये पार्टीशन बन नहीं रहा है और ये तो चूंकि हमने 2 TB का स्पेस था उसमें हमने 200 GB करके बनाया। आप इसे अपने अनुसार क्रिएट कर सकते हैं, 500 GB 600 GB करके बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्राइमरी पार्टीशन 3 बन चुकी है उसके अलावा ये बन नहीं रही है तो आप ये जो ऊपर वाला लगभग 1448 GB का आ रहा है और जितना आपने क्रिएट किया इसे 2 TB में आप यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं। लेकिन ये जो 2 TB का स्पेस है, 1668 GB का स्पेस है, इसे ये अनलोकेटेड चला जाता है, इसे आप यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है पार्टीशन लिस्ट की, क्योंकि जिस पेन ड्राइव से हमने बूटेबल बनाया है विंडोज़ को इंस्टॉलेशन करने के लिए वो पेन ड्राइव MBR पार्टीशन के लिए बना हुआ है और MBR पार्टीशन 2 TB से ज़्यादा हार्ड डिस्क को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टीशन को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पेन ड्राइव को GPT पार्टीशन के लिए बूटेबल बनाना होगा और उस समय हमें इंस्टॉलेशन करेंगे और पार्टीशन फिर से क्रिएट करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। पहले हमें एक दूसरे पेन ड्राइव से बूट कराना होगा। हमारे पास एक पेन ड्राइव है, इसे हमने GPT से बूटेबल बनाया है, GPT पार्टीशन के लिए बनाया है और इस पेन ड्राइव से हम बूट करवाते हैं। इसमें भी विंडोज़ 8 ही है। फ्रेंड्स, हमने इस बार किसी दूसरे पेन ड्राइव से बूट करवाया है जिसमें कि GPT पार्टीशन के लिए विंडोज़ 8 बूटेबल बना हुआ है और उस समय लगा करके सिस्टम में बूट ऑप्शन लाते तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आता है, UEFI किंगस्टन डेटा ट्रेवलर और एक नॉर्मल किंगस्टन डेटा ट्रेवलर, ये दोनों पेन ड्राइव हैं। तो चूंकि ये GPT पार्टीशन के लिए बना है इसलिए हमें UEFI को सिलेक्ट करके बूट कराना होगा। अगर हम सिंगल वाले नीचे वाले सिंपल वाले किंगस्टन डेटा ट्रेवलर को करते हैं तो बूट नहीं लेगा, इसलिए हम UEFI वाले को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। इंटर करते हैं
अब इसका सेटअप स्टार्ट होगा दूसरे ढंग से, चूँकि आप देख रहे हैं जेब्रोनिक्स का ये मदरबोर्ड है और इस समय जेब्रोनिक्स का लोगो आकर के रुक जाता और इसी दौरान ये सेटअप स्टार्ट होता है। चूँकि GPT पार्टीशन में सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि GPT पार्टीशन से जब पार्टीशन क्रिएट करेंगे GPT के लिए बना हुआ बूटेबल पेन ड्राइव से, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। नेक्स्ट करते हैं सेटअप, इसे जल्दी से हम बढ़ा लेते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। चेक करके नेक्स्ट करते हैं कस्टम। यहाँ पर देखिए सारे पार्टीशन इस तरह से आ गए हैं, चूंकि हमने MBR पार्टीशन के लिए किया था तो इस तरह के दो अनलोकेटेड आकर के रह गए थे। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से सभी को डिलीट कर लेते हैं। सभी को हमने डिलीट कर लिया, लेकिन ये दो अनलोकेटेड वैसे ही बने हुए रह जाते हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क पार्ट कमांड से जा करके इसे फुल फॉर्मेटिंग यानी जीरो लेवल से फुल फॉर्मेट करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F10 बटन और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा और यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे डिस्क पार्ट और इसके बाद हम टाइप करेंगे लिस्ट स्पेस डिस्क के बाद जीरो वाले डिस्क को सिलेक्ट करेंगे, चूंकि 4 TB का इंटरनल हार्ड डिस्क है वो, तो सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट स्पेस सॉरी सिलेक्ट स्पेस डिस्क जीरो, सिलेक्ट हो गया। क्लीन कमांड चलाएंगे, चूंकि ये कमांड मैंने पहले भी बताया है आपको, इसके बारे में पता होगा। अब यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं हम और कमांड प्रॉम्प्ट से भी बाहर हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पार्टीशन वैसे ही, अब एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो पार्टीशन अनलोकेटेड एक में आकर के मिल जाएगा। इसके बाद हम नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं न्यू में जाकर के कोई 200 GB का पार्टीशन बनाते हैं। ये देखिए GPT पार्टीशन को जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर रिजर्व पार्टीशन तीन बनते हैं, एक 300 MB का, एक 99 MB का, एक 128 MB का। ये चूंकि GPT पार्टीशन के लिए, इसमें GPT पार्टीशन में क्या होता है कि मैक्सिमम आप 128 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा और इसके 4 TB के हार्ड डिस्क को हम पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर हम 200 GB का एक और बना लेते हैं, नीचे आते हैं, आप पूरे स्पेस को यूज कर सकते हैं। अब 1 TB का चाहे तो यूज कर सकते हैं, 1024 हमने एक टीवी का पार्टीशन बना लिया। ये देखिए तीन पार्टीशन ऑलरेडी बन चुके हैं, इसके बाद हम एक और पार्टीशन बना सकते हैं। मतलब क्या है कि GPT पार्टीशन के थ्रू आप पूरे 4 TB के हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। एक 200 GB का बना लेते हैं, आप ये पार्टीशन अपने साइज के अनुसार बना सकते हैं, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। हम 1 TB का एक और पार्टीशन बना लेते हैं, देखिए एक और स्पेस बचा, इसे उतना ही बना लेते हैं। ये देखिए आप, अब हमने 4 TB के सारे स्पेस को यूज कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 सात पार्टीशन हमने क्रिएट किए हैं जो कि प्राइमरी में है और इसे आप 4 TB के सारे स्पेस को आप यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें
जो पहला पार्टीशन है उसमें हमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन करना होता है, तो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर दीजिए, विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप 4 TB के हार्ड डिस्क को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से हमने GPT पार्टीशन के लिए बूटेबल बने हुए पेनड्राइव से विंडोज़ 8 इंस्टॉल किया और पार्टीशन क्रिएट किया, तो 4 TB के सारे स्पेस को हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम GPT में इंस्टॉल करते हैं तो 4 TB का सारा स्पेस यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखने वाली है। चूँकि हमने यहाँ पर विंडोज़ 8 को इंस्टॉल करे थे, अगर विंडोज़ 8.1 या फिर विंडोज़ 10 को आप करते हैं तो ये GPT में बूटेबल बन जाता है। आप इसे इंस्टॉल करके GPT पार्टीशन क्रिएट करके 4 TB के हार्ड डिस्क या उससे ज़्यादा हार्ड डिस्क के स्पेस को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप विंडोज़ 7 इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर ये GPT में नहीं बनता है, तो GPT पार्टीशन क्रिएट नहीं हो पाएगा, तो उस दौरान ये प्रोसेस सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके लिए अगर आप विंडोज 7 इंस्टॉल करके 4 TB के हार्ड डिस्क में सारे स्पेस को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग तरीका है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसका वेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपसे आपको इससे रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे